हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जहां हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर जहां पे जो फंक्शनल ग्रुप थे, एक तो वो कार्बन कंटेनिंग थे, साथ में टर्मिनेटिंग थे, जिसमें हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड को, एल्डिहाइड को, एसिड क्लोराइड को, एसिड एस्टर को, एसिड अमाइड को डिस्कस कर लिया था। दो फंक्शनल ग्रुप हमारे रह गए थे, एसिड एनहाइड्राइड और एक आपका साइनाइड। तो उन दोनों पे मूव करेंगे, लेकिन लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपकी प्रैक्टिस के लिए, पहले उन्हें डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका CH2COOH, इसका IUPAC नेम करना था। तो देखिए, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, तो पहली पोजिशन किसको देंगे? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को। तो फर्स्ट पोजिशन इसे दे दी, सेकेंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, चार कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या कहें, डबल बॉन्ड है? नहीं। तो सफिक्स क्या रहेगा? एन, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगता है? ऑयलिक एसिड। कितनी जगह है? दो जगह, तो 1.4 डाई ऑयलिक एसिड। भाई डी आया है तो यहाँ से ई रिमूव नहीं हो पाएगा। पहला लेटर हमेशा कैसा बनेगा? कैपिटल बनेगा, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1.4 डाइऑइक एसिड। दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया था। अब इसमें देखो, ये वाला कार्बन तो पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, और जब रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट हो, तो फिर उसके लिए क्या लगाते थे हम? स्पेशल सफिक्स लगाते थे। तो जरा देखो इसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं? हेक्स। क्या कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं। तो हेक्सेन। पहली और दूसरी पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या लगेगा? स्पेशल वाला। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने हैं? दो। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ में ये जो कंपाउंड था, इसमें जो चेन है वो कैसी है? साइक्लिक। और साइक्लिक के लिए हम प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? साइक्लो। तो नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन 1.2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अगेन देखो, पहली पोजीशन तो इस कार्बन को हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि ये कौन? ऐसा कार्बन जिससे कि हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है रिंग में। पहली पोजीशन इसे देने के बाद या तो आप दूसरी इधर आए या दूसरी इधर आए। अगर इधर आते हैं तो सेकंड पोजीशन मिलेगी मिथाइल को, जबकि इधर आते हैं तो सेकंड पोजीशन मिलेगी इथाइल को। यहाँ एक कार्बन का है, यहाँ पे ये दो कार्बन का है। तो अगर इधर आएंगे तो आपको मिथाइल को दूसरी पोजीशन, इधर जाएंगे तो इथाइल को दूसरी पोजीशन। अल्फाबेटिकल कंपेरिजन लगा देंगे ना, तो नंबरिंग कहाँ करेंगे? एंटी क्लॉक वाइज, सेकेंड पोजिशन इसे, थर्ड से, फोर्थ से। देखिए, चार कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं? साइक्लिक है, तो साइक्लो ब्यूटेन। पहली पोजीशन पे क्या है? अमाइड। स्पेशल सफिक्स लगेगा कि कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ है, तो 1-carboxamide। यहां तक कोई परेशानी? साइक्लोब्यूटेन 1-carboxamide। अब देखो, एक कार्बन का सब ग्रुप, दो कार्बन का सब ग्रुप, दो कार्बन के को क्या बोलते हैं? इथाइल। तो इथाइल का ही पहले आता है तो लिखेंगे 2-ethyl-4-methyl-cyclobutane-1-carboxamide। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? बोलो, हैप। डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो क्या सब प्राइमरी सफिक्स? एन। पहली पोजीशन पे क्या है? अमाइड, तो 1-amide। लेकिन साथ में ये आपके कौन है? एक सब ग्रुप बी आर, किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से। तो ये वाला लेटर तो कैसा हो जाएगा? तो फिर स्मॉल, नाइट्रोजन से जुड़ा है तो एन ब्रोमो हेप्टेन 1-amide। एन ब्रोमो हेप्टेन अमाइड भी लिख सकते थे आप, है ना। अब इस पे आते हैं। देखिए, पहली पोजीशन कैसे गए? इस कार्बन को या इसको?
जब ये इंक्लूड हो सकता है, सर इसे इंक्लूड करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन की चेन जिसमें एक कार्बन का ये सब ग्रुप लगा है। 7 कार्बन की चेन को आप बोलते हैं हैप्ट। क्या कहीं डबल बॉन्ड है? हाँ है। कौन सी पोजीशन पे है? तीसरी। तो 3 इन कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी पोजीशन पे? पहली। तो सफिक्स क्या लगेगा? ओएक एसिड। ये क्या है? मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे? दूसरी। तो 2 मिथाइल हैप 3 इन 1 ओएक एसिड। सिक्स्थ एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए ये सी, तो सी डबल बॉन्ड ओआर एस्टर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 थर्ड पोजीशन पे दो मिथाइल भी है। अब देखो कितने कार्बन की चेन है? 5। 5 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? पेंट। डबल बॉन्ड है नहीं तो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, पहली पोजीशन पे कौन है? ये ईस्टर। तो 1 ओ 8। अब देखिए थर्ड पोजीशन पे कौन? दो मिथाइल है, तो 3.3 डाई मिथाइल। अब एक रह गया आपका ऑक्सीजन से लगा हुआ। ऑक्सीजन से लगे हुए को बोलते हैं सब ग्रुप। ये कहाँ आएगा? सबसे आगे लिखा जाता है, तो ये आएगा इथाइल 3.3 डाइमिथाइल पेंटेन 1.8। इथाइल जो ऑक्सीजन से लगा है वो सबसे आगे, उसके बाद में बचे हुए सब ग्रुप्स, फिर पेरेंट चेन और उसके बाद में सफिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। 5 कार्बन की चेन, इसमें ये लगे हुए हैं आपके क्या? सब ग्रुप्स। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं? पेंट। क्या कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं, तो पेंटेन। पहली पोजीशन पे कार्बोनिल क्लोराइड है, तो 1 ऑयल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के लिए आपने सफिक्स लगा दिया। अब आते हैं, देखो 2 ये मिथाइल है थर्ड पोजीशन पे, 2 है फोर्थ पोजीशन पे, तो नाम क्या हो जाएगा भाई? देखो 3.3.4.4 टेट्रा मिथाइल 3.3.4.4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन 1 ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। पहली पोजीशन उस कार्बन को देंगे जिस कार्बन से रिंग में या रिंग से डायरेक्टली अटैच है फंक्शनल ग्रुप, तो पहली पोजीशन। दूसरी इधर दे दो, चाहे इधर, कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ 2 और 2 4, टोटल 4 मिथाइल यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग को आप क्या बोलते हैं? साइक्लो प्रोप। डबल बॉन्ड है नहीं तो प्रोपेन। पहली पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल लगे हैं 4, तो 2.2.3.3 टेट्रा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए थे वो डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आगे के फंक्शन ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइनाइड फंक्शनल ग्रुप की। सी आंसर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे देखो इसके लिए प्रीफिक्स लगता है साइनो। सेकेंडरी सफिक्स लगता है नाइट्राइल, और जो स्पेशल सफिक्स है वो लगता है कार्बो नाइट्राइल। ठीक है, प्रीफिक्स साइनो या साइनाइड, सफिक्स नाइट्राइल, स्पेशल सफिक्स कार्बो नाइट्राइल। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका? फिर आयुर्वेद नेम कैसे लिखेंगे? एल्केन प्लस नाइट्राइल। सफिक्स लगाएंगे नाइट्राइल सिंपली। फॉर एग्जांपल आप
आपने ले लिया CH3CN, कितने कार्बन की चेन, दो, वन टू, दो कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, ईथ, डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, वन नाइट्राइल। अंडरस्टूड है, पहली पोजीशन पे होगा तो इथेन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, इथेन वन नाइट्राइल या इथेन नाइट्राइल। दूसरा मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल CH3CH, इसको करना है तो देखो तीन कार्बन की ये चेन हो जाएगी यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीन कार्बन की चेन को बोलते हैं प्रोप, डबल बॉन्ड है नहीं तो प्रोपेन, पहली पोजीशन पे नाइट्राइल है और दूसरी पोजीशन पे मिथाइल है, नाम क्या हो जाएगा, टू मिथाइल प्रोपेन वन नाइट्राइल। फॉर एग्जाम्पल अगर यही होता इस तरीके से कुछ डायरेक्टली रिंग से अटैच था CN, तो चार कार्बन की चेन साइक्लो ब्यूटेन, पहली पोजीशन पे नाइट्राइल लगा है तो वन कार्बो नाइट्राइल, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग IUPAC नेमिंग यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनहाइड्राइड की, देखिए एसिड एनहाइड्राइड बनते कैसे, सिंपली जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल से वाटर को रिमूव करा जाता है तो उसके रिजल्टेंट बनता है एनहाइड्राइड, समझ लो, ठीक है। अब एनहाइड्राइड की पहचान क्या होती है, C डबल बॉन्ड O, इसके लिए आप याद रखेंगे सफिक्स यूज करते हैं, सिंपली सेकेंडरी सफिक्स, कोई स्पेशल सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं होते, सफिक्स यूज करा जाता है, दैट इज ओएक एनहाइड्राइड। कुछ एग्जांपल से इसे समझते हैं, मान लीजिए हमने लिया HC डबल बॉन्ड OOH, मिथेनोइक एसिड जिसे हम बोलते थे, दूसरा एक और मॉलिक्यूल ले लिया HC डबल बॉन्ड OOH, इनमें से जब H2O को हटाएंगे तो एक जगह से चला गया OH और एक जगह से H चला जाएगा, इसका नाम क्या था, मिथेनोइक एसिड। ऊपर वाला भी कौन था, मिथेनोइक एसिड, तो इसके रिजल्टेंट ये क्या मिलेगा, देखो HC डबल बॉन्ड OH, देखो HC डबल बॉन्ड O, ये तो सही H2O चला गया, एक ऑक्सीजन दोनों के बीच में लिंक हो गया, ये एनहाइड्राइड बन रहा है मिथेनोइक एसिड। भाई एक कारण, एक तरफ देखो बाकी सबको छुपा दो, इस ऑक्सीजन से नीचे का डालो, ये मिथेनोइक एसिड होता अगर OH होता तो मिथेनोइक एसिड से बन रहा है तो नाम हो गया मिथेनोइक एनहाइड्राइड। दो बार मिथेनोइक लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता, मिक्स्ड एनहाइड्राइड का मतलब मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड से बन रहा होता, इथेनोइक प्रोपेनोइक से बन रहा होता, तो फिर दोनों को मेंशन करते। फॉर एग्जांपल ऊपर तो ले लिया आपने HC डबल बॉन्ड OOH, नीचे ले लिया HC CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ऊपर तो ये था आपका मिथेनोइक एसिड, नीचे था इथेनोइक एसिड। H2O के रिमूवल के बाद ये मिलेगा HC डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, CH3। तो देखो अब IUPAC ने क्या लिखेंगे, देखो अल्फाबेटिकली लिखो, ये मिथेनोइक और ये इथेनोइक, इथेनोइक का ही पहले आता है तो क्या लिख देंगे आप, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, सिंपली इस तरीके से आप IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि जब हम लोग यहाँ IUPAC नेमिंग पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में कॉमन नेमिंग को भी करते जाएंगे, तो स्टार्टिंग में जब हमने हैलोजन लिया, ईथर लिया, तो वहां पे हमने कॉमन नेमिंग को भी साथ साथ कर लिया था, लेकिन जैसे ही टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एक साथ लिए थे तो यहाँ पर हमने कॉमन नेमिंग की बात नहीं की।
तो इन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में कॉमन नोमेनक्लेचर को करने का भी एक सीधा सा कंसेप्ट होता है, सिमिलर कंसेप्ट होता है, सभी में सेम टाइप का कंसेप्ट लगता है। तो मैं एक साथ इन सभी के लिए क्या करता हूँ, कॉमन नेमिंग को भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कॉमन नेमिंग। तो कॉमन नेमिंग इन केस ऑफ टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, लेकिन टर्मिनेटिंग में भी क्या होना चाहिए, हैविंग सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, टर्मिनेटिंग हो लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट हो। मतलब हम लोग यहाँ पर साइनाइड की बात नहीं कर रहे, बाकी सबको एक साथ बात है, ठीक है। तो यह कॉमन नेमिंग का सिंपली एक कंसेप्ट होता है, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोई भी जो टर्म यूज करने वाले हैं वो, साथ में जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स, ये होता है सिंपली कॉमन नेम का कंसेप्ट। अब नंबर ऑफ कार्बन के लिए, अब तक हम लोग पढ़ते थे जैसे 1 के लिए मी, 2 के लिए ई, 4 के लिए यू, 10 के लिए डेक, इस तरीके से पढ़ते थे ना, उसी तरीके से कॉमन नेमिंग में नंबर ऑफ कार्बन के लिए थोड़ा सा अलग सिस्टम है जो आपको याद रखना होगा, लेकिन वो सिर्फ कॉमन नेमिंग में अप्लाई होगा, आईयूपीएसी में आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको 6 तक याद रखना है, 1 कार्बन अगर होता है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं फॉर्म, 2 कार्बन होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग एसिड, 3 कार्बन होता है तो हम लोग यूज करते हैं प्रोपियोन, 4 कार्बन अगर होते हैं तो हम लोग यूज करते हैं ब्यूटायर, 5 कार्बन होते हैं तो हम लोग यूज करते हैं वेलर, और 6 कार्बन होते हैं तो हम लोग यूज करते हैं कैप्रो, ठीक है। सिमिलरली हम लोगों ने कुछ टर्म्स को भी हम लोगों ने यूटिलाइज किया था, उनकी भी बातें कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पायरो ग्रुप को यूज किया था, पायरो ग्रुप, प्रोटोन ग्रुप, एक्राइल ग्रुप, उनको भी आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए आपको सफिक्स लगाना होगा। अब वो सफिक्स, सर सफिक्स तो हमने पढ़ लिए, देखिए जो आपने सफिक्स अब तक पढ़े हैं वो आईयूपीएसी नेमिंग के लिए पढ़े हैं, कॉमन नेमिंग के लिए नहीं पढ़े। तो कॉमन नेमिंग के लिए इनके लिए सफिक्स लगेंगे मैं बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं जो जो फंक्शनल ग्रुप आने वाले हैं वन बाय वन उनके सामने उनके सफिक्स लिखता जा रहा हूँ। देखिए फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले मैं मान लीजिए ले लेता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स लगाते हैं वो एक एसिड होता है, फिर लेते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स लगता है वो एल्डिहाइड ही होता है, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के लिए जो सफिक्स होता है वो इल क्लोराइड होता है, फिर हम लोग ले लेते हैं एसिड एस्टर, एस्टर के लिए जो सफिक्स होता है वो एच होता है, फिर हम लोग ले लेते हैं एसिड अमाइड, अमाइड के लिए जो सफिक्स होता है वो अमाइड ही रहता है, फिर हम लोग ले लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड, इसके लिए जो सफिक्स होता है वो एक हाइड्राइड रहता है, एक एनहाइड्राइड रहता है। ठीक है, तो एक एनहाइड्राइड। सिंपली देखो अब तक हम लोग करते थे सफिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड होता था तो वहां एक एसिड करते थे, आईयूपीएसी में कॉमन नेमिंग में एक एसिड करते हैं, वहां अल करते थे या एल्डिहाइड करते हैं, वहां ऑयल क्लोराइड लेते थे या इल क्लोराइड है, वहां ओएट था या एट है, वहां भी अमाइड था यहाँ भी अमाइड है, वहां पे एक एनहाइड्राइड था तो यहाँ पर एक एनहाइड्राइड है, ये आप इनके सफिक्स को याद रखेंगे। तो सिंपली कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन प्लस सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से, कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे थे तो देखते हैं एग्जांपल्स को। एग्जांपल नंबर 1, पहले एल्डिहाइड की बातें करते हैं,
हमने लिया एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखो एक कार्बन है सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डिहाइड होगा। एक कार्बन के लिए हम लोगों ने क्या टर्म यूज किया था, फॉर्म सफिक्स क्या लगाया, एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। सिमिलरली ले लिया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, कितने कार्बन, दो। दो कार्बन के लिए हम लोगों ने नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या बोला, एसेट। सफिक्स क्या है, एल्डिहाइड, नाम क्या हो गया, एसेट एल्डिहाइड। सिमिलरली आपने ले लिया सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, कितने कार्बन की चेन, तीन। तीन कार्बन के लिए आपने क्या टर्म यूज किया, प्रोप्यून। सफिक्स क्या है, एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो गया, प्रोप्यून एल्डिहाइड। इस तरीके से कर सकते हैं ना, आपने ले लिया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच, भाई इसे मैंने बोला था पायरियून ग्रुप, तो जब एच यहाँ पे आ गया तो एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरियोएल्डिहाइड। कर पाएंगे ना इस तरीके से कॉमन नेम भाई, ये तो सिंपली, और ये तो दो तीन ग्रुप देखे थे, क्रोटोन पायरियो भी आपने, इसके साथ साथ एक्राइल ग्रुप, तो उस तरीके से आप यहाँ पे कॉमन नेम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या होता है, मान लीजिए ले लिया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए टर्म एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो सफिक्स एक एसिड, फॉर एग्जांपल एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, कितने कार्बन की चेन, एक, तो फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक एसिड, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी डबल ओ एच, कितने कार्बन की, चार, चेन, पांच, तो पांच कार्बन को क्या बोलते हैं, वैलर, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक एसिड। इस तरीके से नोमेनक्लेचर को कर पाएंगे। थोड़ा सा एग्जांपल और लेते हैं, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ, इसको याद हो तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था प्रोटोन ग्रुप, तो अगर यहाँ पर ओ एच लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोटोनिक एसिड। ठीक है ना, कर पाएंगे ना। नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए एक ये होता है बेंजीन, और बेंजीन पर जब दो सी डबल ओ एच लगे होते हैं तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फैलिक एसिड। इसको जरा याद रखेंगे, इसे आप क्या बोलते हैं, फैलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़े तो यही पे कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ एसिड होते हैं जिन्हें हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, उनके कॉमन नेम्स हमें याद होने चाहिए, बार बार यूटिलाइज होते हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, देखिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम को आपको कैसे याद रखना है, वो ओम्स गैप, ओ फॉर होता है ऑक्सैलिक एसिड, एम फॉर होता है मैलोनिक एसिड, एस फॉर होता है सक्सिनिक एसिड, जी फॉर होता है ग्लूटारिक एसिड, ए फॉर होता है एडिपिक एसिड, एंड पी फॉर होता है पेमैलिक एसिड। ओम्स गैप ऑक्सैलिक मैलोनिक सक्सिनिक ग्लूटारिक एडिपिक पेमैलिक। देखिए ऑक्सैलिक एसिड होता है सी डबल ओ एच सी डबल ओ एच, मैलोनिक क्या होगा,
CH2CHO, सक्सी में क्या होगा? CHOH CH2 का होल ट्वाइस, ये दो बार आएगा CHOH। ब्यूटेन क्या होगा देखो, CHOH CH2 का होल ट्वाइस CHOH। एडिपिक एसिड क्या होगा देखो, CHOH CH2 का होल फोर CHOH। फिनोलिक एसिड क्या होगा, CHOH CH2 का होल फाइव CHOH। तो इस तरीके से सीक्वेंस में याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से याद रहेगा, ठीक है। तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड, जहां पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, फिर मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक एंड फिनोलिक। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करते हैं। एसिड क्लोराइड को ले लेते हैं, एसिड क्लोराइड्स। देखो CH3 CH1 OCl फॉर एग्जाम्पल, यार दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिड, ठीक है। और ये अगर क्या है, एसिड क्लोराइड है, तो सब क्या रहेगा, इल क्लोराइड, तो इल क्लोराइड, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पर एसिड अमाइड का। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया CH3 CH1 ONH2, कितने कार्बन का अमाइड है ये, दो कार्बन का। दो कार्बन को बोलते हैं एसिड, सफिक्स लगता है अमाइड, तो नाम क्या हो गया, एसिटामाइड। सिमिलरली आपने ले लिया CH1 ONH2, कितने कार्बन का, एक एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्म, तो नाम हो गया फॉर्मामाइड, ठीक है ना। कर पाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एस्टर की। एस्टर एस्टर, देखिए एसिड एस्टर के केस में क्या होता है, थोड़ा सा यहां अलग है। अब क्या करते हैं, पहले तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो करेंगे, उसके बाद में जो उसका सफिक्स है वो लगाएंगे, लेकिन जो सब ग्रुप होता है उसके लिए आप एल्किल यूज करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट काम आया। देखो जैसे HCO(OCH3), एक कार्बन की चेन है, तो आप क्या बोलेंगे, फॉर्म, ठीक है। ईस्टर के लिए सफिक्स क्या में क्या लगता है, एट या ओएट, एट, आईपीसी होती तो ओएट था और कॉमन है तो एट लगेगा, तो फॉर्मेट। और ये कौन है, मिथाइल, तो आगे आ जाएगा, नाम हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल ये हो गया CH3 CH2 CH1 OCH3, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपियोन, तो प्रोपियोन। सफिक्स क्या लगेगा ईस्टर के लिए, एट, ऑक्सीजन से लगा हुआ सब ग्रुप सबसे आगे, नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपियोनेट। नेक्स्ट एक हमारा बचा है एनहाइड्राइड, उसकी भी बात कर लेते हैं। एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड, ठीक है। अगेन मैंने आपसे भी बोला था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर को रिमूव करते हैं तो एनहाइड्राइड मिलता है, या एनहाइड्राइड में वाटर को ऐड करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। आपने क्या करा, ले लिया HCO(CH3), मान लीजिए ये था, ठीक है। अब इसका मतलब एक कार्बन का एसिड और दो कार्बन के एसिड से मिलकर के बना होगा, मान लो ये कैसे बना होगा, जब HCO(OH) + CH3 CH1 OH मिले होंगे, तो इसका नाम क्या था देखो, फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या था, एसेटिक एसिड,
तो ये फॉर्मिक और एसिटिक दोनों से मिलके बना है, तो ना अल्फाबेटिकली जाइए एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल ये कुछ ये रहा होता, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, अगर याद आ रहा हो तो ये किससे बना होगा, जब आपने वाटर को निकाला होगा किससे, फैलिक एसिड से। ये फैलिक एसिड था, और फैलिक एसिड से अगर आप वाटर को रिमूव करेंगे तो उसके रिजल्टेंट जो बनेगा दैट इज द फैलिक एनहाइड्राइड। हाँ या ना, बिल्कुल सिमिलर वे में एक और एग्जांपल लेते हैं। ये ले लिया मैंने CH2, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये देखिए एक्चुअलिटी में ये बनाया गया होगा किससे, जरा देखते हैं। जब आपने वाटर निकाला होगा CH2 सी डबल ओ एच, CH2 सी डबल ओ एच, देखिए इसका नाम होता है सक्सिनिक एसिड। ये कौन है, सक्सिनिक एसिड, अभी अभी देखा था ना। और सक्सिनिक एसिड से जब H2O निकल के एनहाइड्राइड बना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। याद रहेंगी ना बातें। चलिए इस तरीके से हम लोगों ने ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो टर्मिनेटिंग थे और C डबल बॉन्ड O ग्रुप उनमें अवेलेबल था, उनकी कॉमन नेमिंग को भी यहाँ पर साथ साथ देख लिया। देखिए अब तक के फंक्शनल ग्रुप में एक फंक्शनल ग्रुप है आपका साइनाइड, जिसकी कॉमन नेमिंग रह गई है, उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए कॉमन नेमिंग में डायरेक्टली चीजें आपको याद रखनी होती हैं, जबकि IUPAC नेमिंग में आपने जो कुछ सीखा है उसको अप्लाई करना होता है। साइनाइड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स। देखो भाई सुनो एक बार, अब अगर इसकी बात करें तो ये आपका जो साइनाइड ग्रुप है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो जुड़ा हो सी से या फिर जुड़ा हो वो एन से, ठीक है। अगर सी एन से इसमें जुड़ा होता है तब तो ऐसी सिचुएशन में कॉमन नेम होता है एल्किल साइनाइड, और ऐसी सिचुएशन में कॉमन नेम होता है एल्किल आइसो साइनाइड। जरा देखते हैं कैसे। एग्जांपल मान लीजिए लिखा है CH3CN, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, ये तो एक मिथाइल हो गया मिथाइल साइनाइड, यहां से काटिए ये साइनाइड हो गया, ये मिथाइल हो गया, तो मिथाइल साइनाइड। अगर ये ऐसे लिखा होता CH3NC तो इसी को क्या बोलते हैं, मिथाइल आइसो साइनाइड, ठीक है। जब साइनाइड ग्रुप सी से जुड़ा होता है कार्बन चेन से तो साइनाइड टर्म यूज करते हैं, और एन से जुड़ा होता है तो आइसो साइनाइड टर्म का आप यूज करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पे।
ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां आपको आईपीएससी नेमिंग करनी है। देखते हैं, देखिए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पहली पोजीशन आपको इसी को देनी पड़ेगी, तो 1 2 3 4 ये आपका सब ग्रुप, ये सब ग्रुप, चार कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो ये आ गया आपका ब्यूट। क्या कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं। तो फिर सब प्राइमरी सफिक्स एन, पहली पोजीशन पे कौन है? नाइट्राइल, तो 1-nitrile। अब देखो एक मिथाइल है, क्लोरो, क्लोरो का सी पहले आएगा या मिथाइल का? क्लोरो का सी, तो नाम क्या हो जाएगा? 3-chloro-2-methyl-butane-1-nitrile। अब यहाँ पे आ गया कितने कार्बन की चेन? 1 2 3 4, चार कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। डबल बॉन्ड है? हाँ है। कौन सी पोजीशन पे? दूसरी, तो 2-ene। पहली पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1-oic acid। नेक्स्ट एग्जांपल, एक डाउट आया था किसी बच्चे को, तो उस डाउट को मैं यहाँ पे वापस से डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए पहली पोजीशन किसे दें यहाँ पे परेशानी? देखिए हैलोजन तो हमेशा साइड चेन की तरह ट्रीट होगा, कोई परे वो तो छोड़ ही दो। पहले आते हैं मल्टीपल बॉन्ड पे, मल्टीपल बॉन्ड में इसे भी फर्स्ट पोजीशन दे सकते हैं, इसे भी फर्स्ट पोजीशन दे सकते हैं। ये बात तय है कि अगर इसे पहली पोजीशन दी तो फिर आपको दूसरी पोजीशन इसे देनी पड़ेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड को आप हमेशा कंटिन्यूअस पोजीशन देते हैं, 2 3 4। अगर आपने पहली पोजीशन इसे दी तो फिर आपको ऐसे जाना पड़ेगा, 2 3 4। देखिए भाई कुछ लोगों के मन में आता है कि भाई अगर सर आप इधर से गए तो पहली पोजीशन इसको और पहली हेलोजन को, समझना जरा, 1 डबल बॉन्ड को, मैं पिंक वाले को लिखता हूँ यहाँ पे पहले, 1 डबल बॉन्ड को, 1 इस हेलोजन को भी, और इस हेलोजन को फिर 4, मतलब 4 + 2 6 आ गया। लेकिन अगर आप इधर से जाते हैं तो क्या मिलेगा? देखो 1 + 2 + 3 = 6, दोनों ही कंडीशन में लोएस्ट लोकेंट समरूल से वैल्यू सेम आ रही है। अगर मान लो यहाँ पे कम भी आई होती तो भी हम नंबरिंग यहां से नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोएस्ट लोकेंट सम रूल की बात आप कब करेंगे? जब लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हुआ हो। यहाँ लोएस्ट लोकेंट रूल फेल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड पोजीशन डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो साइड चेन पे जाओ। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन दी इस कार्बन को, तो उसके साथ साथ सब ग्रुप को भी तो पहली पोजीशन मिल जाएगी ना। जबकि यहां से अगर आपने नंबरिंग स्टार्ट की तो पहले सब ग्रुप को कौन सी पोजीशन मिलेगी? दूसरी। इसलिए ये वाली नंबरिंग जो है वो गलत है, जबकि आपकी जो पिंक वाली नंबरिंग है वो सही है, ये नंबरिंग सही होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चार कार्बन की चेन है, तो चार कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं? ब्यूट। ठीक है, डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे? पहले, तो 1-ene। ओके, साइक्लिक था तो साइक्लो ब्यूट 1-ene। अब एक क्लोराइड लगाया पहली पोजीशन पे, एक लगाया चौथी पे, तो क्या होगा? 1,4-dichloro-cyclobut-1-ene। ओके, याद रखना 1,4 यूज करने वाले, 2,3 नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड लगा उसे पहली पोजीशन, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे नहीं क्योंकि घर से फिर हायर पोजीशन मिलेगी, तो 2 3 4 5 6, छह कार्बन की साइक्लिक चेन, क्या बोलेंगे आप? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। पहली पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है जो डायरेक्टली रिंग से अटैच है, तो 1-carboxylic acid। ओके, अब एक क्लोरो है, एक मिथाइल है, क्लोरो का सी पहले आता है मिथाइल के नाम से, तो नाम क्या होगा? 2-chloro-3-methyl-cyclohexane-1-carboxylic acid। नेक्स्ट देखो, तीन कार्बन की साइक्लिक चेन, क्या कहते हैं? साइक्लोप्रोपेन, सफिक्स क्या लगेगा? कार्बोक्सामाइड, 1-carboxamide।
ओके नेक्स्ट इस पे आते हैं। नाम याद है इसका, अभी अभी पढ़ा था डाइओइक एसिड में, कौन है ये एडिपिक एसिड। 1 2 3 4 5 6 छह कार्बन की चेन क्या कहलाती है, हेक्स। क्या कहे, डबल बॉन्ड है, नहीं तो हेक्सेन। पहली और छठी पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1.6 डाइओइक एसिड। ई को रिमूव नहीं किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी आया है, वॉवल नहीं है। ओके कुछ एग्जाम्पल्स करें अब तक के हम लोगों ने अपने कंपाउंड्स को लेकर के। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए, जिनको आपको होमवर्क में करना है। फिजिक्स एग्जाम्पल्स हैं जो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को लेकर।